ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आजकल बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है उसमें, भैया हमारे हस्बैंड और वाइफ, पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, इसके लिए कोई बहुत आसान सा उपाय आप बता दें। तो आप 7 बिंदी वाला आपको उपाय करना होगा, पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, आप लोग में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कैसे करना है इस पूरे उपाय को, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत होगी, पहले इस चीज़ को समझ लो। स्क्रीन पर आप क्या दिख रहा है, लाल चंदन दिख रहा है। तो आपके पास अगर लाल चंदन की लकड़ी हो तो लकड़ी ले लो, वरना पाउडर के फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। ले लिया इतना, और उसके बाद आपको लेना होगा, अरे ये घी यहाँ पर लग गया है, घी नहीं लेना है आपको, लेना होगा शहद। क्या लेना है आपको, शहद, 1 चम्मच शहद लेना, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन दोनों चीज़ों को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक। देखो, सबसे पहले मेरी बात को सुनना, आप बैठोगे कहाँ पे, बिल्कुल जलाधारी के पास में यहाँ पर आपको बैठना होगा, ठीक है। बैठ गए, बैठने के बाद जो आपके हाथ में 1 चम्मच शहद है, उस शहद की 7 बिंदियाँ आपको लगानी होगी कहाँ पे, एक मिनट, आप लगाओगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, यही तो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, तो यहीं पे लगाना होगा। कैसे लगाओगे, जैसे यहाँ पे लगाओगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 इस तरीके से 7 बिंदियाँ लगा देना, ठीक है। बिंदियाँ लग गई, अब जो आपके हाथ में क्या है, अभी आपके हाथ में लाल चंदन है, ठीक, तो उस लाल चंदन का लेपन आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। कहाँ पे करोगे, आपको करना होगा शिवलिंग के पीछे साइड, बैठना तो आपको इसी जगह पे यहाँ पे, और यहीं से बैठ करके पीछे शिवलिंग के आपको लाल चंदन का अच्छे तरीके से लेपन करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। अच्छे तरीके, जितना अच्छे तरीके से आप लेपन कर सकते हैं कर लेना। उसके बाद यहीं पर बैठ करके प्रार्थना करना, महादेव हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उसको किसी भी तरीके से सही कर दें, किसी भी तरीके से हम लोग में प्रेम बना रहे, ठीक है। इस तरीके से आप प्रार्थना करना, इस तरीके से कामना कर लेना। इतना करने के बाद क्या करोगे, ये जो आपने यहां पर शहद की 7 बिंदियां लगाई हैं, इनको आपको निकाल करके एक छोटी सी कटोरी में रख लेना, ठीक है। कटोरी में जब आप रख लो, उसके बाद यहां से आप उठ जाओ, उठने के बाद यहां पे आके खड़े हो, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर देना, ठीक। इतना काम कर लिया, अब ये जो कटोरी में आपने शहद को इकट्ठा किया है, इसको लेकर के आप अपने घर चले जाना, और जो दरवाज़ा आपके घर का मेन डोर हो, लकड़ी वाला जो मेन डोर हो, वहाँ पर उसकी 1 बिंदी आपको लगा देनी होगी उसी शहद की। यकीन मानिए, ये इतना सुंदर उपाय है, इतना अच्छा उपाय है कि आपके हस्बैंड और वाइफ या फिर घर में किसी भी तरीके से किसी से भी कोई लड़ाई होती होगी तो वो कभी भी नहीं। तो इस उपाय को आपको हफ्ते में या फिर महीने में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा। कोशिश तो की मैंने अच्छा समझाने की, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आए नीचे कमेंट में पूछें। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।